खबर हम बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कंपनीज के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे बता रहे हैं वो कि आज शाम को 5 बजे जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग होगी उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व चलाने और ऑपरेट करने का मौका दे सकती है भारत सरकार। इनफैक्ट स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स जो भारत सरकार के कर्नाटका में और उड़ीसा में भारत सरकार चाहती है कि एक ऐसे ऑयल रिजर्व्स बने कि आने वाले समय में हम भारत के पास इतना ऑयल रिजर्व्स हो कि अगर ग्लोबल प्राइसेस अगर हाई हो रहे हैं तो उसके चलते भारत में पुराने रेट पर तेल बेचा जा सके और हिंदुस्तान के पास सफिशेंट अमाउंट का क्रूड ऑयल रहे, जिसके मतलब ये है कि कंसोर्शियम या फिर प्राइवेट फर्म्स इसमें हिस्सा ले सकती हैं, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा भारत में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स में काफ़ी मुश्किलें होती हैं, क्योंकि इनफैक्ट जो दो नए ऑयल रिजर्व्स भारत सरकार बना रही है वो 47.8 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड संभाल पाएगा और अभी भारत सरकार का जो प्लान है वो 5.3 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 11.83 क्रूड रिजर्व्स करने का प्रोग्राम है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर रहेगी कंपनीज के लिए भी और भारत के लिए भी, क्योंकि स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भारत को होती है और आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि ये इशू भी रिजॉल्व होएगा। तो आज शाम को 5 बजे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इस मैटर, इस प्रपोजल को टेकअप करेगी।